हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दिव्या दीप्ति आपके लिए लाई हुई एक और वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। एक छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ और इसके ज़रिए मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ इसको समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा और छोटी सी कहानी है तो इसको अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो कहानी शुरू करती हूँ। एक जगह पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी और उन इमारतों के बीच यानी बिल्डिंग्स के बीच में एक मोटी सी रस्सी बांधकर एक आदमी चल रहा था और अपने बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर चल रहा था, हाथ में एक बांस पकड़कर। हजारों की भीड़ उसे नीचे से देख रही थी और जब हवा में रस्सी हिलता तो लोगों के मुँह से आह की आवाज़ निकल जाती थी। जब उसने पूरी दूरी तय कर ली तब लोगों की तालियों से पूरी जगह गूंज उठी, सिर्फ तालियों से, और सारे लोग उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लग गए। तो उसने बोला, क्या मैं इसे फिर एक बार कर सकता हूँ? तो लोगों ने बोला, क्यों नहीं। तो जब उसने बोला, क्या आपका बच्चा मिल सकता है? तो उनमें से वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों में से किसी के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली। तो उसने बोला, आपको ये तो पता है कि मैं कलाकार हूँ लेकिन आपको मेरी कला पर विश्वास नहीं। उसने बहुत बड़ी बात कह दी, हमें ये तो पता है भगवान है लेकिन भगवान पे पूर्णतः विश्वास नहीं। तभी तो हर सुबह उठते हैं चिंता के साथ, कभी उठे हैं धन्यवाद के साथ। हमें भगवान पे उसी तरह विश्वास करना चाहिए जैसे आप अपने बच्चे को जब ऊपर उछालोगे तब कभी गिरने नहीं दोगे, उसी तरह हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना भूलना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।